अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं सऊदी ब्रेकिंग न्यूज़ में। काफ़ी बड़ी खबर, खास तौर पे मेरे उन पाकिस्तानी भाइयों के लिए जो पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, या फिर वो सऊदी अरब के अंदर अकामा होल्डर अफराद थे और पाकिस्तान छुट्टी पे आए हैं और यहाँ पे फंस के रह गए हैं, उनके लिए काफ़ी बड़ी खबर आ चुकी है। इसके अलावा कोई वीज़ा, वर्क वीज़ा वाले हैं, विज़िट वीज़ा वाले हैं, या फिर फैमिली वीज़ा वाले हैं, या अकामा होल्डर अफराद हैं और पाकिस्तान के अंदर फंसे हुए हैं, तो उनके लिए काफ़ी बड़ी खबर आ चुकी है। सऊदी हुकूमत के साथ, हमारी पाकिस्तानी जो हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने सऊदी किंग शाह सलमान के साथ जो मीटिंग की है, उसके अंदर किस चीज़ पे जोर दिया गया है, कौन सी तारीख निकल के सामने आई है, तो तमाम डिटेल आपको मिलेंगी इसी वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से आगे तक आप लाजमी तौर पर देख लें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आए वह तक बआसानी और जल्द पहुँच सके। जी हाँ, आपको बताता चलूँ कि सऊदी हुकूमत के साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने मीटिंग की है, उसके अंदर उन्होंने यही बात पर जोर दिया है कि जल्द से जल्द जो पाकिस्तान के अंदर परेशान अफराद हैं और सऊदी अरब के अंदर जाना चाहते हैं, उनके लिए फ्लाइट्स को बहाल किया जाए। आप एक वीडियो क्लिप को सुन सकते हैं जब उनसे सवाल किया गया था किसी लड़की के थ्रू, उन्होंने क्या जवाब दिया। यहाँ से चलते हैं पाकिस्तान में जी, मुझे इसका पूरी तरह इल्म है। मैंने अभी जो सऊदी एम्बेसडर आए थे, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर आए थे, उनसे मैंने पूरी तफसील में बात की और मैंने पैगाम दिया शेख मोहम्मद के लिए कि हमारे बहुत ज्यादा लोग मुतासर हुए हैं, तो उनकी उनके लिए उनके जो भी मसले मसाइल और भी मसले मसाइल थे फ्लाइट्स के अलावा, तो उन्होंने मुझे श्योरिटी तो दी है कि वो वापस जा वो जब वो वापस उन्होंने जाना था तो उन्होंने श्योरिटी दी थी कि वो इंशाल्लाह ये हमारा मसला हल करेंगे।